Hello everyone, how are you? I hope all are fine. So let us start today's topic, and today's topic is time. Time का नाम लेते हैं, हमारे माइंड में एक इमेज ड्रॉ होती है कि हमने टाइम का नाम लिया तो मीन्स हमारी क्लॉक होगी या हम जो वॉच यूज़ करते हैं वो हो सकती है. तो हम अपना आज का टॉपिक अपनी क्लॉक से स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स सी, ये हमारी वॉच. तो हमारी वॉच में हम सबसे पहले देखते हैं कि टू हैंड्स हमें दिखते हैं. टू हैंड्स मीन्स जिसको हम बोल सकते हैं बड़ी सुई या छोटी सुई. सो हमारी वॉच में टू हैंड्स होती हैं. फर्स्ट इज जो लॉन्गेस्ट होती है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रही है 12 पर है, वो हमारी क्या है, मिनट हैंड है, मीन्स लॉन्गर हैंड है. और सेकेंड हैंड है हमारी जो 6 पर इस टाइम शो हो रही है, वो हमारी आवर हैंड है, मीन्स शॉर्ट हैंड है. और एक हैंड है जो सुई आपको दिख रही है वो परमानेंट रोटेट हो रही है, उसको हम कहते हैं सेकेंड हैंड. सेकेंड हैंड मीन्स ये परमानेंट 24 आवर्स ये मूवमेंट करती है, हमारी मिनट हैंड और आवर हैंड की तरह वो भी मूवमेंट करती है. सो अब हम स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे आपको येलो कलर के हाइलाइटेड पॉइंट्स दिख रहे होंगे जिस पे हमारे नंबर होंगे. 12 के बाद हमारा 1, 2, यहाँ पे 3 आपको शो हो रहा है, फिर 4, 5, 6 आपको दिख रहा है, 7, 8, 9, 10, 11 एंड देन अगेन इज 12. मीन्स हमारे जो क्लॉक है वो 12 आवर्स में डिवाइडेड है. जो रेलवे की टाइमिंग होती है वो 24 आवर्स होती है, लेकिन हमारे घर में या जो हम यूज़ करते हैं वो 24 आवर्स ना होके 12 आवर्स में डिवाइड होती है, मीन्स 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है. इसलिए जब भी हम टाइम देखते हैं तो मॉर्निंग में अगर 12 o'clock के बाद मिडनाइट में हम देखते हैं तो हमारी क्लॉक में 1 AM होता है, और जब हम दोपहर के बाद देखते हैं तो 1 PM होता है. मीन्स हमारी क्लॉक में जो भी टाइम होता है वो 2 बार हम उसको देख पाते हैं. और ऑल ओवर हमारा जो टाइमिंग है 24 आवर्स में 12 मतलब दोनों हैंड जो हैं हमारी वो 2 बार एक साथ आती हैं. तो अब हम देखते हैं कि जो हमारी मिनट हैंड है वो थोड़ी सी मूव कर गई है, 12 के थोड़ा सा आगे जा चुकी है. तो अगर ये थोड़ा सा जो येलो हाइलाइटेड एरिया है जहाँ पे नंबर होगा 1, वहाँ पे ये जाएगी तो मीन्स हमारा क्या हो जाएगा, 6:05 मतलब हमारा जो है टाइमिंग क्या हो जाएगी, वो 5 मिनट इंक्रीज़ कर जाएगी. पहले 6 o'clock था, अब 6:05 हो जाएगा. तो आज हमने इतना देखा कि हमारा मिनट हैंड क्या है, हमारी आवर हैंड क्या है और सेकेंड हैंड क्या है. और अब हम धीरे धीरे देखिए हमारी मिनट की हैंड जो है वो धीरे धीरे 1 पे पहुंचने वाली है. तो हम ये देखते हैं कि हमारे जो भी वॉच है हमारी वो हमारी 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है. 12 से ये 6 मीन्स 12, 3, 6 हमारे एक साइड हो जाते हैं, और 6, 9, 12 हमारा एक साइड होता है. तो मीन्स हाफ, मीन्स हमारा जो 1 मिनट में हमारा जो 60 सेकेंड होता है और 1 आवर में हमारा 60 मिनट्स होता है, हम उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते तो 30 मिनट्स उठ जाते हैं. जब मिनट वाली सुई हमारी 6 पे आएगी तो मीन्स हमारी क्लॉक का जो है वो हाफ पार्ट होगा, वो क्या होगा, 30 मिनट हो जाएगा वहाँ पे. फिर इसी के तरह अभी हम आगे भी इंक्रीज़ करें तो 35, 40 मीन्स वो इंक्रीज़ करता जाएगा. तो ऐसे हम जब दोबारा से 12 पे हमारी मिनट की सुई मीन्स हैंड हमारा पहुँचेगा तो 1 आवर हमारा बीत चुका होगा, 1 घंटे का टाइम हमारा हो चुका होगा. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी मिनट हैंड क्या है और आवर हैंड क्या है और हम सेकेंड हैंड किसे कहते हैं. इसमें जब हम अभी हमारा मॉर्निंग का टाइम है तो हम AM यूज़ करते हैं, मतलब 12 o'clock मिडनाइट के बाद से हमारा जो भी टाइमिंग होता है हम उसमें AM यूज़ करते हैं. और
ट्वेल्व नून के बाद मींस दोपहर के बाद हम पीएम का यूज़ करते हैं। एएम मींस एंटी टाइम होता है और पीएम मींस पोस्ट मेरिडियन टाइम होता है। तो इसमें क्वार्टर, हाफ पास्ट, क्वार्टर टू, ये हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। आज हमें सिर्फ इतना ध्यान देना है कि हमारी जो क्लॉक है उसमें दो हैंड होते हैं, मिनट हैंड एंड आवर हैंड एंड सेकेंड हैंड, जो परमानेंट मूव करती है। ओके, आई होप आपको आज का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। थैंक यू।